राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सोलन में बाल दिवस के मौके पर मिनी मैराथन का आयोजन किया, जिसमें सोलन शहर के विभिन्न स्कूलों के 14 से 18 वर्ष के करीबन 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने मिनी मैराथन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि डीसी राकेश कंवर ने मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इंटरनेशनल मैराथन रनर कल्पना परमार और सुनील शर्मा ने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। मिनी मैराथन सोलन के ठोडो मैदान से शुरू होकर सामती और वहां से वापस ठोडो मैदान पहुंची। मैराथन के उपरांत उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि उपायुक्त राकेश कंवर ने बताया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग का आयोजन इस मैराथन में जहां एक ओर बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कला दिखाने का मौका मिला, वहीं बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य बाल संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों को न केवल संरक्षण देने का कार्य कर रही है, बल्कि उन्हें होने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। न सिर्फ बच्चों के लिए मैराथन बल्कि दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें वो खुद अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है और इसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे अलग अलग स्कूलों से भाग ले रहे हैं। बच्चों के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें उनके ना सिर्फ राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है बल्कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी काम किया जा रहा है, जिसमें टोल फ्री नंबर है 1098 जिसमें फोन करके बच्चा कभी भी कोई शिकायत हो, अगर कोई उसको समस्या हो तो बता सकता है। तो डिस्ट्रेस्ड में जो बच्चे हैं, दिक्कत में जो बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं या ऐसे बच्चे जिनको उनके माता पिता देखभाल नहीं कर सकते, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटाकर उनके पेरेंट्स के साथ रिस्टोर किया गया है।